देश के प्रतिष्ठित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण विश्वविद्यालय का नौवां दीक्षांत समारोह 6 जून को आयोजित किया जाएगा। संस्थान के उपकुल सचिव अमित यादव ने आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर केंद्रीय खेल युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह को वह संबोधित भी करेंगे। वहीं यहाँ 3051 छात्रों को BPED MPED की डिग्री से नवाजा जाएगा। इसमें साल 2016-17 से लेकर 2022 तक के छात्र शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर है। 2017 में LNIP में सिर्फ 8 कोर्स थे, जो बढ़कर 13 हो गए हैं। संस्थान अपने लक्ष्य को आगे रखकर आगे बढ़ रहा है। खबर हरपल के लिए राजकुमार शर्मा की खबर। किस तरीके का ये कन्वेंशन रहेगा? ये संस्थान का नवा दीक्षांत समारोह है और ये दीक्षांत समारोह जो है 6 जून को शाम 6 बजे से शुरू होगा। ये लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हमारे जो संस्थान के जो अध्यक्ष हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं खेल एवं युवा कल्याण के, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी इसमें अध्यक्षता करेंगे तथा साथ में कन्वोकेशन जो भाषण है वो इसमें देंगे। इस कार्यक्रम इस जो कन्वोकेशन में 9th कन्वोकेशन के अंदर जो टोटल जो है 6 साल के जो हमारे बच्चे जो पास आउट हुए हैं 2017 से 2022 तक, उनको डिग्री जो है वो प्रदान की जाएगी, कन्फर की जाएगी। प्रदान ना, एक अलग चीज़ होता है, एक मतलब उनको उपाधि से अलंकृत किया जाएगा, नवाजा जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो वो नवाजा जाएगा और उसमें टोटल उनकी संख्या जो 3051 है, इसमें वो सारे कोर्स हमारे शामिल हैं जो संस्थान कोर्स चला रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था कि 2017 में हमारे 8 कोर्स थे जिनको उपाधि दी जानी है और धीरे धीरे आने वाले समय में ये बढ़ते हुए 2022 में ये 13 कोर्सेज हो गए हैं। तो नेचुरली इंस्टीट्यूट तरक्की कर रहा है और कोर्सेज की संख्या भी हमारी आने वाले हर साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। तो एक ये अच्छा प्रोग्रेशन है और स्टूडेंट्स को सभी को ही शामिल किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि कुछ कोर्सेज को नहीं शामिल करें, कुछ को ही शामिल करें, ऐसा नहीं है। चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, उपाधि उपाधि होती है, तो सभी को ही हम डिग्री में यहाँ पर बुला रहे हैं और यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। सारा स्टाफ हमारा, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सर वर्ग के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे कार्यक्रम को तेज कर रहे हैं। ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टीम बनाई हुई हैं, सब अपना अपना टास्क देख रही हैं। एकेडमिक सेक्शन अपना कार्य देख रहा है, एकोमोडेशन अपना देख रहा है, मेन फंक्शन की सेरेमनी कमेटी वो अलग है, तो सब अपने अपना व्यवस्था अच्छी तरह कि जिससे कि सारा प्रोग्राम हमारा सफल हम करा सकें, हो जाए।